ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सबका स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम। यानी वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। अब वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहेगा वो किसके बेसिस पे होगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, या तो हम लोगों को, बच्चों लोगों को, आप लोगों को क्यों सॉल्व करने दिया जाता है? वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को इसलिए सॉल्व करने के लिए दिया जाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है। मतलब कोई, जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है, वो आप कितना जल्दी से समझ सकते हो या समझ पा रहे हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। यानी हम लोग जो क्वेश्चन रहेगा वो सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, उस लैंग्वेज को समझ करके उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी एक तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली लाइफ के लिए। अगर कोई बच्चा ये सारे क्वेश्चन को पढ़ करके उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है आसानी से, इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। यानी वो कोई दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है तो वो जल्दी से समझ सकता है। इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम करना बहुत ज़रूरी होता है और क्वेश्चन भी गिवेन रहता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं आज, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम गिवेन रहेगा, जो हम लोग को दिया गया है या जो आपको सॉल्व करना है, उस वर्ड प्रॉब्लम को जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। वो क्या मिलेगा? लीनियर इक्वेशन। ये बहुत ज़रूरी है करना, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ज़रूर करो। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सा, किस किस टाइप का आपको मिलता है? जैसे नंबर पर मिल सकता है, एज पर मिल सकता है, मतलब आपका एज, फादर से जिस तरह से क्वेश्चन जो आता है। तीसरा चीज़ मिल सकता है बोट और स्ट्रीम वाला। फिर टाइम वर्क का प्रॉब्लम जो आता है वर्ड प्रॉब्लम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वह जो क्वेश्चन है बच्चों, वह है नंबर सिस्टम। नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड योर नंबर सच दैट व्हेन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द नंबर द रिजल्ट इज 14 लेस देन थ्राइस द नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक नंबर फाइंड करना है। अब जो नंबर फाइंड करना है उसको अपन एक्स मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। जो नंबर फाइंड करना है उसको आप क्या मान लो? एक्स मान लो। तो बच्चों, जो नंबर फाइंड करना है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। लेट नंबर बी एक्स, एकदम बढ़िया से समझना, लेट नंबर बी एक्स। बच्चों हमने x नंबर मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि फाइंड योर नंबर सच दैट व्हेन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द नंबर, मतलब 10 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है कहां से? ट्वाइस द नंबर, जैसे नंबर x माना है तो इसके ट्वाइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड, यहां से देखो, व्हेन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर। तो व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ नंबर? 2x, एंड 10 इज सब्ट्रैक्टेड, 10 माइनस कर दिया। अब नंबर के ट्वाइस से जब 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है? द रिजल्ट इज, अच्छा रिजल्ट मतलब इक्वल टू ये हो रहा है 14 लेस देन, 14 कम आ जा रहा है, ये जो है ना 14 लेस है, दिस इज 14 लेस देन थ्राइस द नंबर। थ्राइस द नंबर, अच्छा बताओ 3x।
अब क्या बोल रहा है सुनो बढ़िया से कि ये जो चीज है ये जो 2x माइनस 10 है दिस इज 14 लेस देन 3x, तो ये 14 कम है 3x से, तो ऐसा करते हैं बराबर तभी होगा जब इधर हम 14 को माइनस कर देंगे। अब तुम पढ़ो बढ़िया से पूरा लैंग्वेज देखो सही लिखा है, जब आप एक बार लिख लेते हो फिर से लैंग्वेज पढ़ना और मैच कराना। When 10 is subtracted from the twice the number, the result is 14 less the thrice of number. 14 less, less कर दिया। अब बहुत सिंपल हो गया बच्चों, बस इसको सॉल्व करना है आपको, x मिल जाएगा। तो देखो क्या x मिलता है, x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, 2x ये प्लस 3x इधर आएगा माइनस 3x, ये माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10 और माइनस 14। इधर बच्चों माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 आ गया, तो ये कट गया तो x इक्वल टू 4, आपका आंसर क्या आ गया 4, ये रहा आंसर। जो नंबर माना था हमने x माना था, रिक्वायर्ड नंबर 4 आ गया बच्चों। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ओके बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, डिवाइड 184 इंटू टू पार्ट्स सच दैट वन थर्ड ऑफ वन पार्ट, अंडरलाइन करो, वन थर्ड ऑफ वन पार्ट मे एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, वन सेवेंथ ऑफ अदर पार्ट, एक पार्ट जो है एक पार्ट का वन बाय थर्ड दूसरे पार्ट के वन बाय सेवेंथ, दूसरे के वन बाय सेवेंथ पार्ट से ज्यादा है, वन बाय थर्ड पार्ट, यानी वन बाय थर्ड पार्ट एक नंबर का दूसरे नंबर के वन बाय सेवेंथ पार्ट से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 4। तो 184 को टू पार्ट में करना है, दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि लेट वन पार्ट ऑफ 184 बी x, तो अदर पार्ट क्या होगा बताओ, हेंस अदर पार्ट बराबर 184 माइनस x, दूसरा पार्ट क्या होगा 184 माइनस x हो जाएगा। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि वन थर्ड ऑफ वन पार्ट, यानी वन थर्ड, एक पार्ट क्या है x, तो x का वन थर्ड, तो वन बाय थर्ड ऑफ x बोल रहा है, ये क्या होगा वन थर्ड ऑफ वन पार्ट एक्सीड बाय कितना 4 से, 4 ये ज्यादा है तो इसमें 4 को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा हो जा रहा था, किससे वन बाय सेवेंथ ऑफ 184 माइनस x से। वही बोल रहा है कि वन बाय थर्ड ऑफ वन पार्ट एक्सीड बाय 4, मतलब वन बाय थर्ड ऑफ वन पार्ट, यानी एक्स का वन, जिसे वन पार्ट नंबर, जिसे 184 को दो पार्ट में किया, एक पार्ट हो गया एक्स और दूसरा पार्ट हो गया बच्चों 184 माइनस एक्स। तो बोल रहा है इसका ना वन बाय थर्ड जो होगा, एक्स का वन बाय थर्ड जो होगा वो ज्यादा है वन बाय सेवेंथ ऑफ, इससे कितना ज्यादा है 4, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं वन बाय थर्ड ऑफ एक्स, ये ज्यादा है कितना 4 ज्यादा है, इसलिए 4 माइनस कर दिया, ये 4 ज्यादा है तो 4 क्या किया माइनस कर दिया, ठीक है 4 को माइनस कर दिया तो ये इक्वल आ गया। अब देखो आगे वन बाय थर्ड एक्स माइनस, अब यहां एक काम करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है आपको और एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम जैसे 3 आ गया तो x माइनस 12 आर इज इक्वल टू 1 बाय 7 184 माइनस x। अब बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 7 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 12 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 184 माइनस x, तो बच्चों ये 7x हो गया और ये 84 हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करो 3 से, 184 को 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 और 2 यानी 6 52 माइनस 3x। अब यहां पर बच्चों ये माइनस 3x इधर आएगा
तो 7x और ये माइनस 3x इधर आएगा प्लस, तो 10x हो जाएगा और ये 652 और प्लस का 84। अब इसको सम अप करो, 6, 3 और 4 और 2 6 हो गया बच्चों, और 184 इंटू 3 12, 5 और 3 1 जा 3 और 2 ये 555 होगा, यहाँ ये 555 होगा बच्चों। तो ये 555 और इसको ऐड करोगे तो 636 आ गया 10x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 636 बाय 10, तो x इक्वल टू हो गया 63.6। तो एक पार्ट क्या निकला 63.6, तो अब दूसरा पार्ट क्या होगा, जैसे एक पार्ट निकला आपका 63.6, तो वन पार्ट निकल गया बच्चों आपका, कॉपी कर लेना आप लोग, वन पार्ट क्या निकला 63.6, तो अदर पार्ट क्या होगा, अदर पार्ट हो जाएगा 184 माइनस 63.6, जो भी आएगा आप आंसर लिख लेना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपका सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों। ओके बच्चों देखो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ योर लाइन एंड 2/5 ऑफ द सेम लाइन इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन का लेंथ पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, लेट लेंथ ऑफ लाइन, लाइन का हम लोग लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ लाइन बी एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइन का लेंथ पूछा था, तो लेंथ ऑफ द लाइन हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, कितना मान लिया बच्चों एक सेंटीमीटर मान लिया एक्स सेंटीमीटर। अब बोला गया है क्या, डिफरेंस ऑफ बिटवीन द लाइन 3/4 ऑफ ए लाइन एंड 2/5 ऑफ द लाइन, अच्छा दोनों का डिफरेंस क्या है 28 सेंटीमीटर। तो एक बात बता, 3/4 ऑफ लाइन क्या होगा, 3x/4 होगा सेंटीमीटर, और 2/5 ऑफ लाइन क्या होगा, 2/5 ऑफ x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोला इन दोनों का डिफरेंस जो है ना 28 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 28, ठीक है। अब इसमें से कौन बड़ा है, इसमें से ग्रेटर कौन है, 3/4 या 2/5, तो अगर 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आता है, और 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आता है लगभग, तो बड़ा तो यही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/4 माइनस 2/5x बराबर 28 दिया है, बस यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग को x मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x मिल जाएगा हम लोगों को, और एलसीएम क्या आएगा बताओ, 5 × 4 = 20 और 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 28। आगे बच्चों देखो 15 − 8 = 7x और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 28 × 20, 7 × 4 = कट जाएगा 28, तो x बराबर 80 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। अगर बच्चों देखो आपसे अगर कहीं कहा जाए कंजुकेटिव इंटीजर या कंजुकेटिव नेचुरल नंबर या कंजुकेटिव होल नंबर, कंजुकेटिव इंटीजर, कंजुकेटिव होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसी बात किया जाए तो कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर बोला गया कि कंजुकेटिव, कंजुकेटिव इंटीजर, या तो इंटीजर बोल दिया या तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, अगर ये सभी कंजुकेटिव बोला जाता है आपसे आर, तो क्या लोगे जानते हो, एक्स। कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार। अब जैसे दो कंजुकेटिव नंबर बोल सकता है, या तो तीन बोल सकता है, या तो चार बोल सकता है इन फ्यूचर में, अभी तो यहां दो ही बोला जाएगा, है ना, अभी यहां पर बच्चों दो ही बोला जाएगा। तो जैसे x लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस वन
नेक्स्ट क्या होगा x प्लस टू, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस थ्री, इस तरह से। अगर यही बोला जाता कंजक्यूटिव कंजक्यूटिव ऑड या तो इवेन, ऑड या इवेन कोई दिक्कत नहीं, ऑड और इवेन में कंजक्यूटिव ऑड नंबर या कंजक्यूटिव इवेन नंबर में जो डिफरेंस होता है वो टू ही होता है। जैसे कंजक्यूटिव ऑड नंबर लिया हमने तो वन थ्री फाइव सेवन, देखो डिफरेंस कितना है, टू का ही है। अगर मैं कंजक्यूटिव इवेन नंबर भी लिया टू फोर सिक्स, इसके बीच में भी डिफरेंस कितना है, टू का ही अंतर है ना। मतलब कंजक्यूटिव इवेन नंबर और कंजक्यूटिव ऑड नंबर जो डिफरेंस है वो टू ही है। तो अगर आपसे बोला जाता है कंजक्यूटिव इवेन ऑड तो एक ही तरह से माना जाएगा, सेम चीज कंसिडर हम लोग करेंगे। जैसे इवेन और ऑड इंटीजर बोल सकता है आपको, इंटीजर बोल सकता है या तो नेचुरल नंबर बोल सकता है आपसे, नेचुरल नंबर और क्या बोल सकता है, होल नंबर। तो ये कंजक्यूटिव इंटीजर्स, कंजक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होल नंबर या इवेन इंटीजर, इवेन ऑड नंबर, इवेन होल नंबर, सभी अगर आपको मानना है तो सबसे पहला मानना x। अब मैंने क्या बोला, दो का डिफरेंस होता ना चाहे ऑड है या इवेन, तो इससे दो ज़्यादा मतलब x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक दो और बढ़ाओ x प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, यही चीज आप कंसिडर करोगे। तो आप बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि द सम ऑफ टू कंजक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, बोला है टू कंजक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, यानी ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, दो कंजक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग तुरंत बिना सोचे समझे, है ना, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लेट टू कंजक्यूटिव, अभी जो लिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखाया था, टू कंजक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कंजक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस टू, टू कंजक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, यहां ऑड लगा दीजिए, ऑड नेचुरल नंबर, टू कंजक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, क्या मान लिया, एक को x और एक को x प्लस टू कंजक्यूटिव। अब बोला इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 140 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम है बच्चों किसके इक्वल, 140 के इक्वल, यानी x प्लस टू इन दोनों का सम 140 के इक्वल है। तो x प्लस एक्स टू एक्स हुआ और प्लस टू इक्वल टू 140। अब 2x इक्वल टू, देखो ये 2 प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस, तो 140 माइनस 2 इज 138। अब यहाँ 2 से कैंसिल हो जा रहा है, 6 टू जा 12 और 69, तो x इक्वल टू आ गया 69। यानी जो दो नंबर हम लोग को बोला था ना फाइंड द बिगर नंबर, अच्छा फाइंड द बिगर नंबर, अब बताओ बड़ा कौन होगा, x है x प्लस टू, ग्रेटर होगा x प्लस टू, तो बिगर ऑड नंबर, जो बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर, जो बिगर नंबर हमारा आएगा, बिगर नंबर दैट इज वो एक्स प्लस टू, यानी 69 प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू 71। आप देख सकते हो ऑड नंबर की बात हुआ था तो देखो दोनों नंबर ऑड आया, एक 69 आया एक 71 आया, है ना, कंजक्यूटिव मतलब लगातार। ओके बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ओके स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन आया आपके सामने, देखो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोग देखिए टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम। तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो, जो होता है क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी स्पीड s इक्वल टू डी बाय टी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां क्या बोला है कि अ मैन कवर्स या डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब एक आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कितना घंटा में तय करता है, एक घंटे में। एक आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर डिस्टेंस वन आवर में कवर करता है, ठीक है। अच्छा तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है, जैसे मान लो
टोटल डिस्टेंस ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ए से बी है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन समझो आप पहले। ये टोटल भैया 25 किलोमीटर है और ये 25 किलोमीटर कवर करने में वो 1 आवर लगाता है, 1 घंटा लगाता है, ठीक है। बोला क्या, पार्टली 1 फुट यानी कुछ डिस्टेंस वो चल करके ट्रेवल करता है, लेकिन कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर से। यानी हम मान लिए कि इतना जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर पर आवर से पैदल गया, ये पैदल जा रहा है यहाँ से, ये देखो ये पैदल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और स्पीड क्या रहा है इसका, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड पार्टली ऑन द मोटरसाइकिल एट द रेट, और बाइक से जा रहा है, अब इधर किससे जा रहा है, बाइक से, अब इधर ये जा रहा है बाइक से, ठीक है, इधर किससे जा रहा है, बाइक से जा रहा है ये आदमी, ये बाइक से जा रहा है, ठीक है, ये बाइक से जा रहा है इधर, ओके। और बाइक से कितना स्पीड से जा रहा है, 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। अब एक बात बताओ भैया, जितना अगर ये यहां से यहां तक मान लेते हैं ये पॉइंट सी, ए से सी जा रहा है पैदल, और ये पैदल जा रहा है तो मान लो ये 45 मिनट लगाया पैदल में, तो इधर 15 मिनट लगाएगा, क्योंकि टोटल टाइम जो ले रहा है ए से बी में जाने पर, जाने के लिए वो 1 घंटा ले रहा है, थोड़ा दूर वो पैदल चल रहा है, थोड़ा दूर वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, कुछ डिस्टेंस वो पैदल ट्रेवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ डिस्टेंस पैदल कुछ डिस्टेंस मोटरसाइकिल से। तो अब बताओ यहाँ से कि हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द मोटरसाइकिल, तो ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल बी x किलोमीटर, करेक्ट। तो 25 किलोमीटर में से x किलोमीटर वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, मतलब बच्चों यहां से यहां ये x किलोमीटर ये मोटरसाइकिल से गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट कितना होगा बताओ, टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर है ना, टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर, उसमें से x डिस्टेंस वो मोटरसाइकिल से गया, तो बाकी जो बचा वो पैदल गया, यानी 25 माइनस x किलोमीटर, ठीक है बच्चों आप सुनो मेरी बात। टोटल कितना टाइम लगाता है, अनेक बात बताओ टाइम क्या होगा, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल बी x किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना होगा बाय मोटरसाइकिल, टाइम टेकन बाय मोटरसाइकिल, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और स्पीड कितना है 32 किलोमीटर पर आवर, तो इतना आर हो गया टाइम टेकन बाय मोटरसाइकिल। अच्छा टाइम टेकन बाय फुट पैदल अगर चलता है तो कितना टाइम ले रहा है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो मोटरसाइकिल से फुट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 25 माइनस एक्स, और स्पीड क्या है इस टाइम 4। अब देखो बच्चों टाइम टेकन बाय मोटरसाइकिल भी निकल गया, टाइम टेकन बाय फुट भी निकल गया, और टोटल टाइम दिया हुआ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगता है, तो जब टोटल टाइम 1 घंटा लगता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ ताकि बढ़िया से आपको उधर बता सकें, ठीक है। तो भैया टोटल टाइम दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है टोटल टाइम, कितना लग रहा है 25 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, और जा किससे रहा है, कुछ दूर पैदल और कुछ दूर मोटरसाइकिल से, तो दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं, मतलब x बाय 32 प्लस 25 माइनस x बाय 4 इज इक्वल टू 1 आवर। हम लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन में मोटरसाइकिल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, और मोटरसाइकिल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को हम लोगों ने x माना है, यानी हम लोगों को अब x निकाल लेना है, क्या करना है बच्चों, x सॉल्व करके निकाल लेना है।
तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बच्चों 32 ही आएगा, तो ये x और यहां 8 × 25 − x = 1। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप लोग कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से हम लोग x निकाल लेंगे बच्चों, और जब x निकालेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा वही मोटरसाइकिल के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस हो जाएगा। मोटरसाइकिल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस बच्चों वही चीज हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, इस चीज को देखो बच्चों, तो x प्लस 8 × 25 = 200 − 8x = ये 32। ओके बच्चों, तो ये −7x और ये 200 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो −7x = देखो 0 − 2 = 8, 9 − 3 = 6 और ये 1 माइनस का बच गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x = 168/7। क्या ये 7 से कट जा रहा है, देखो बच्चों कट जा रहा है, 7 × 2 = 14 और यहाँ 2 बच गया, और ये 7 × 4 = 28 होता है, मतलब x = 24 किलोमीटर। लो 24 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चला, 24 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिल हो गया आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिल हो गया बच्चों 24 किलोमीटर, ये आपका आंसर। तो बच्चों आज हम लोगों ने दो टाइप का क्वेश्चन कराया, एक नंबर पे और एक डिस्टेंस टाइम और स्पीड से रिलेटेड। और डिस्टेंस टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ आपको गिवन रहेगा फॉर फुल जर्नी, जैसे यहाँ टोटल जर्नी के लिए हमें टाइम गिवन था तो हमने टाइम को इक्वेट किया। अब दूसरी बात, एक चीज़ और सोचो, देखो मोटरसाइकिल के द्वारा क्या दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था और डिस्टेंस निकालना था, तो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड दिया हुआ था डिस्टेंस निकालना था, तो कौन गायब हो गया था, टाइम, इसलिए हमने टाइम को इक्वल कर दिया। यानी जो फालतू का चीज है जिसको ना तो निकालना है ना दिया है, उसी को इक्वेट कर दो, वही निकाल के इक्वेट कर दो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है वो जो मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ आपको, कहाँ, हमारा जो ऐप है स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट का, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें रजिस्टर हो जाइए, तो आपको रेगुलरली असाइनमेंट मिलेगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रेगुलरली असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं और सबमिट भी कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू।